डूब गई। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। सी पैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। Well, certainly, Pakistan-Saudi relations are going to be strained for quite some time to come. This kind of a snub is something which is extremely unusual. Shah Mahmood Qureshi ne kis mansoobe ke tahat wo bayanat diye jinse hamare behtareen dost Saudi Arab ki dil shikni hui. Aapke jab khud ke jarnail aapko kha rahe hain, ek army ke jarnail ne 3 crore ki SUV khareedi hai. तो जब आप बाजवा साहब को सलाम पेश करेंगे तो मन में एक सुकून जरूर होगा कि आपके बच्चे ने जो एक रोटी कम खाई है ना, उसका पैसा भी उस एसयूवी में गया है। ये वही जनरल आसिम सलीम बाजवा है जिनके खानदान की बेपनाह दौलत और दुनिया भर में फैले हुए असासों की तफसीलात पूरी कौम के सामने आ चुकी है। 15-20 साल के अरसे में अरबों रुपए के ये असासे कहां से बन गए। सोशल मीडिया कंट्रोल रहेगा कि साहब आप ये करेंगे वो नहीं करेंगे, और अगर जो नहीं बात मानता फिर उसके साथ बुरा सलूक होता है। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी अनासर का बेरोक टोक प्रोपेगंडा। ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड तो है नहीं है। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाहल और सिलेक्टेड हुकूमत से निजात हासिल करना है। आपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या करा जिनको गोली पड़ी थी, भुट्टो के साथ क्या करा, भुट्टो की बेटी के साथ क्या करा, नवाज शरीफ के साथ क्या करा। जो इलेक्टेड है उसको फांसी पे चढ़ाओ, जो सिलेक्टेड है उसको सलाम करो। जो आवाम के वोटों से वज़ीर-ए-आज़म बने, कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया। ये पाकिस्तानी जज भी फारिग हैं बड़े, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि फौज के खिलाफ कुछ बोलने। जब फौजी करप्ट होता है तब आप कुछ नहीं बोलते, तब आपको सांप सूंघ जाता है। मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर मार्शला को अदालतों ने जायज करार दिया, किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो। और लोग इमरान को ब्लेम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इमरान, आई थिंक द रियल कल्प्रिट इज जनरल बाजवा। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ। नवाज भारत बयानिए में इतनी मुशाबहत की कड़ी कहीं